दिशा जी, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहता था। आप जानती हैं मुझे, आई डिडंट रियली मीन इट, रियली सॉरी, प्लीज आप रोइए मत। मुझे पापा के पास जाने के लिए लेट हो रहा है और तुम्हें मुझे छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। आई विल मैनेज। मुझे पता है आप मैनेज कर लेंगे, लेकिन मैं नहीं कर पाऊंगा। आप आई एम रियली सॉरी, लेकिन मेरी लाइफ अब आपके बिना मैनेज नहीं हो पाई। मैंने ये जो कुछ भी किया, जितनी भी कोशिश की, सिर्फ आपको हंसाने के लिए, आपकी आंखों में आंसू लाने के लिए नहीं। दिशा जी, आप हंसती है तो मुझे फर्क पड़ता है, आप रोती है तो मुझे फर्क पड़ता है। ना चाहते हुए भी मैं दिन रात आपके बारे में सोचने लगा।
जब आरू ने उस दिन कहा कि मैं आपको ज्यादा पसंद करता हूं, तो एक पल के लिए मुझे उसकी बात पे यकीन नहीं हुआ। और फिर उस बारे में मैंने बहुत सोचा, बार बार सोचा कि मैं वाकई में आपको पसंद करता हूं। इस दिशा, I love you. I love you. कब हुआ, कैसे हुआ मुझे नहीं पता। सही है, गलत है मैं नहीं जानता। But I really love you. I really love you. सॉरी आयान, लेकिन फिलहाल मेरी जिंदगी में प्यार के लिए कोई जगह नहीं है। रहना है तो मेरा दोस्त बन के रहो, नहीं तो मुझे भूल जाओ। I'm really sorry. तुमसे प्यार करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। क्यों, क्या प्रॉब्लम है मेरे प्यार में? या फिर आपको मेरे प्यार के सामने मेरी हैसियत दिखने लगी है? पहले मुझे सिर्फ शक था, नाउ Now I'm sure. एक ड्राइवर के बेटे से कैसे प्यार कर सकती हैं आप? कैसे रिश्ता बना सकती हैं आप अपने घर के ड्राइवर के बेटे से? ईशान के खिलाफ होगा ना ये? अयान, let me tell you. First of all, ये मेरा घर नहीं है और मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम ड्राइवर के बेटे हो या नहीं। अगर ऐसी बात नहीं है तो फिर क्या कमी है मुझमें? ईशा जी, मैं जानता हूं कि आप मुझे पसंद करती हैं, लेकिन बात सिर्फ यहीं पे आके अटकती है कि मैं एक ड्राइवर का बेटा हूं। सही कहा ना मैंने? औकात दिखने लगी आपको मेरी? गलत सोच रहे हो यार, बात औकात की नहीं है। मेरे पापा की तो इतनी भी हैसियत नहीं है कि वो एक हारमोनियम तो खरीद सके। मैं एक सिंपल से कैफे में वेटर्स की जॉब कर रही हूं। अयान, मेरे हालात, मेरी सिचुएशन मुझे अलाव नहीं करती कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में सोचूं। किसी से प्यार करने के बारे में सोचूं
मैंने मिस्टर कपूर को एक बहुत बड़ा चैलेंज दिया है और तुम भी जानते हो कि कितना डिफिकल्ट है उस चैलेंज को पूरा करना। मुझे अपनी फैमिली को एक करना है आया, अपनी मम्मा का सपना पूरा करना है मुझे। इसलिए इस वक्त मेरे पापा से ज्यादा इंपॉर्टेंट और कोई नहीं है मेरे लिए। फिर चाहे तुम या कोई और मुझे प्रपोज करता, मेरा आंसर ना ही होता। इसलिए तुम्हारे दिल में जो फीलिंग है मेरे लिए, उसे प्लीज निकाल दो। प्लीज आयान, ये लव, ये सारी बातें मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। आई एम सॉरी। मानो कितने दिन हो गए हम लोग शॉपिंग पे नहीं गए। रितिका प्लीज, मैं आज नहीं आ सकता, तुम अकेली चले जाओ। प्लीज कम ना मानो, सिर्फ 2 घंटे की तो बात है। वैसे भी तुम्हारा फैशन सेंस बहुत अच्छा है, मेरे अकेले से शॉपिंग नहीं होगा। रितिका जिद मत करो। प्लीज चलो ना। एक्चुअली मैं ना बहुत डल सा फील कर रही थी, इसलिए शॉपिंग के लिए बोल रही थी। अच्छा ठीक है, आता हूँ। ओह मनु बेबी, दैट्स व्हाई आई लव यू सो मच। तुम कितनी केयर करते हो मेरी। आई टेक माय लव फॉर शॉपिंग। तुम रेडी रहना, मैं तुम्हें पिकअप करने आता हूँ। मैं इंतजार करूंगी। एक से पढ़कर ही क्या हो मनिका, तुम बड़बड़ा क्यों रही हो? यूवी और ईरा के स्कूल जाना है पेरेंट टीचर मीटिंग के लिए। क्या आज? यू मीन अभी? लेकिन कल तो उन्होंने कुछ बताया नहीं। मैं क्या करूं, अभी ईरा का फोन आया स्कूल से, उसने बोला कि वो कल बताना भूल गई। अच्छा मानव जल्दी तैयार हो जाओ, हमें अभी निकलना है। मनिका वो मैं तुम्हारे साथ नहीं आ पाऊंगा, वो मेरी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है आज। तुम चली जाओ ना प्लीज। आई एम सॉरी, नेक्स्ट मीटिंग में मैं आता हूं। ठीक है, आई विल मैनेज। मनिका वो स्कूल के मीटिंग के बाद तुम्हारा और बच्चों का कोई शॉपिंग वॉपिंग का प्लान तो नहीं है ना? नहीं, मैं ऐसे शॉपिंग क्यों जाऊंगी बेवजह? बड़ा अजीब सवाल पूछ रहे हो तुम। तुम्हें क्यों लगा कि हम शॉपिंग जाएंगे? नहीं, वो क्या है, आज मैं लंच के बाद फ्री हूं तो सोचा कि तुम्हें और बच्चों को शॉपिंग के लिए ले जाऊं। बहुत टाइम हो गया ना, मैंने तुम्हारे साथ शॉपिंग नहीं की। ठीक है, कॉल मी अगेन। मलिका फोन करना भूलना नहीं है, अगर तुम शॉपिंग के लिए जा रही हो तो। हाँ पापा कर रहा हूँ, अभी जाओ ना तुम ऑफिस। मैं कुछ भूल रहा हूँ। मैं क्या yeah.
बात है हाँ? तुम दोनों तो टाइम के बहुत ही पक्के हो, मानना पड़ेगा। आंटी पापा है ना? अरे पापा ना किसी दोस्त को मिलने गए हैं रिकॉर्डिंग के सिलसिले में, आई नो कुछ तो बोल रहे थे। पर तुम दोनों यहाँ क्यों खड़े हो? अंदर आओ, वो भी आ जाएंगे। आ जाओ आ जाओ। आजा आजा बैठो। क्या बनाओ तुम दोनों के लिए? क्या खाओगे, क्या पियोगे? चाय बनाओ, कॉफी बनाओ, क्या? अजीब क्यों बिहेव कर रहे हो? एक दूसरे से बातें नहीं कर रहे हो, लड़ नहीं रहे हो, हंस नहीं रहे हो, क्या बात है? कोई तो बात है ना आया, क्या हुआ बताओ मुझे। नहीं कुछ नहीं। अब क्या बोलूं बरखा आंटी? अरे तुम अभी भी नाराज हो क्या दिशा से? उस दिन वो कॉम्पिटिशन जीत गए इसलिए। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। अब दिशा जी तो खाना अच्छा ही बनाती है, तो इनको जीतना ही था। आयान तुमने जो शाही पनीर बनाया था वो भी बहुत टेस्टी था। मैंने टेस्ट किया था, तुम भी बहुत अच्छा खाना बनाते हो। बात है आयान दिशा, आज दोनों तो बस तारीफ किए जा रहे हैं एक दूसरे की। जरूर कोई बात है, क्या बात है? हाँ आज दोनों झगड़ नहीं रहे हो, बताओ मुझे आयान हुआ क्या, बोलो। नहीं नहीं आंटी कुछ नहीं हुआ है। वैसे मुझे कैफे के लिए लेट हो रहा है, मैं चलती हूँ। पापा को बोल दीजिएगा कि मैं आई थी। बाय आंटी। अरे चाय तो पी लो दिशा। बरखा आंटी मैं भी चलता हूँ, वो मुझे रत्नाकर सर से मिलना था। पानी तो पी लो। मैं वापस आता हूँ। अरे जरूर कोई बात है, जरूर कुछ हुआ दोनों के बीच, मगर क्या ढूंढ के निकालना पड़ेगा। सालवे साहब, राम के वकील ने कोर्ट में न जाने कौन सा नकली लेटर पेश कर दिया, जिसे वहां के जज ने सच माना और राम छूट गया। कपूर साहब, कोर्ट में ऐसे दाव पे चलते रहते हैं। नकली लेटर को असली दिखाया जा सकता है तो सबूत इकट्ठा करके नकली लेटर की पोल भी तो खोली जा सकती है, आप फिक्र मत कीजिए। देखिए सालवे साहब, मैं चाहता हूं कि आप हाई कोर्ट में इस केस की डेट जल्द से जल्द लीजिए, क्योंकि मैं उस राम को जेल में वापस देखना चाहता हूं। मैंने राम की केस फाइल पढ़ी है और वैसे भी आपने उसका केस रीओपन करवाया है। मैं जल्द से जल्द हाई कोर्ट के जज के साथ बात करता हूं और जो पहली डेट मिले वो लेने की कोशिश करता हूं। अगर आप ये केस जीत गए ना सालवे साहब, तो आप जो कीमत मांगेंगे मैं दूंगा। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.